मांग लो गिड़गिड़ा कर खुदा से अब भी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं रमज़ान में रब की रहमत बरसती है। रमज़ान नाम नहीं भूखे रहने का, ये नाम है खुद को पाक करने का। वो महीना आ रहा है जिसमें दुनिया का सामान महंगा और आखिरत का सामान सस्ता हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाओ के सहरी में बरकत होती है। अपनी ज़िंदगी के अकाउंट में दो ऑप्शन हमेशा खुले रखें, अपनी गलती तस्लीम करना, दूसरों को माफ़ कर देना। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अपने अंदर के पानी से डूबती हैं। वो सहरी का मज़ा, वो अफ्तारी का इंतज़ार, वो रोज़े की दावत, वो कुरान की तिलावत, वो रोज़े का नूर, सिर्फ कुछ दिन है दूर। रहमत और बरकत का आया मेहमान, नेमत और मगफिरत का मिलेगा इनाम। कर लो तैयारी इस्तकबाल की, आ रहा है प्यारा माह रमज़ान। या अल्लाह, इस आने वाले रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना। सावन के महीने में बादलों से इतनी बरसात नहीं होती जितनी रमज़ान के महीने में मेरे रब की रहमत बरसती है। अल्लाह पाक जब अपने बंदों को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। कर दिया खुदा ने हम पर एक महीना मेहरबान, नाम भी बड़ा प्यारा है माह रमज़ान।